साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा और दो विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के बीच नगर निकाय चुनाव भी होना है। इसको लेकर नगर विकास विभाग ने नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रक्रिया चालू कर दी है। मतदाता लिस्ट में नए नामों को जोड़ने के साथ ही वार्डों में आरक्षण की लिस्ट जारी कर दी गई है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। यूपी में नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर इंतजार अब खत्म हो गया है। प्रदेश सरकार ने निकाय चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। अभी सिर्फ वार्डों के आरक्षण की सूची जारी हो रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 48 जिलों के साथ लखनऊ के सभी 110 निकाय वार्डों की आरक्षण सूची जारी कर दी है, जिस पर एक हफ्ते में आपत्ति व सुझाव मांगे गए हैं, जिसके बाद ही अंतिम सूची जारी की जाएगी। अगले हफ्ते नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश की ओर से किया जा सकता है। बता दें कि नगर निगमों में महापौर और नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में चेयरमैन की सीटों का आरक्षण बाद में जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर के सूची जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि अभी 49 जिलों की सूची जारी की गई है, बाकी जिलों की सूची अभी जारी होनी बाकी है। अभी जो 49 जिलों में सूची जारी की है उनसे एक सप्ताह में आपत्ति दर्ज करने के लिए कहा गया है। एक सप्ताह में जो आपत्तियां दर्ज होंगी उसके बाद फिर वो फाइनल सूची तैयार की जाएगी। फिलहाल लखनऊ में जो 110 वार्ड हैं उन 110 वार्ड की सूची तैयार कर ली गई है। जो पिछली बार आरक्षित थी सीटें वो चक्रानुसार बदली गई हैं, तो इस तरीके से अब इंतजार खत्म हो गया है। सभी प्रत्याशी दमखम से अब क्षेत्र में जुट रहे हैं और अपने नेता की चरण वंदन कर रहे हैं कि उन्हें किस क्षेत्र से और कौन सा टिकट मिलेगा। हालांकि अब यह साफ हो गया है, जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश तैयारियों में जुटा हुआ था उसको देखा जाए तो 49 जिलों में ये सूचना जारी कर दी गई है। अब सारी सूची जारी होने के बाद चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम और नगर निगम अधिनियम 1959 में दी गई व्यवस्था के आधार पर वार्डों का आरक्षण किया गया है। अंतिम अधिसूचना में अभी सिर्फ वार्डों का ही आरक्षण चक्रानुक्रम व्यवस्था के आधार पर तय किया गया है, इसीलिए कई वार्डों का आरक्षण बदल गया है। नगर निगम अधिनियम में दी गई आरक्षण चक्रानुक्रम व्यवस्था के अनुसार सबसे पहले अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षण होता है, इसके बाद एससी पुरुष, ओबीसी महिला, ओबीसी पुरुष महिला और अंत में सीट को अनारक्षित रखा जाता है। खैर, अभी अंतिम सूची आना बाकी है और प्रत्याशियों के नाम और तारीखों का भी ऐलान होना बाकी है, उसके बाद ही आगे की स्थिति क्लियर हो पाएगी। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।